पे सुबह एक न्यूज़ आई आलोकनाथ जी के बारे में कि उनको रेप चार्जेस लेके उसके अभिनीता नंदा जो टी वी प्रोड्यूसर थी, तो एज इंडस ज्वाइंट सेक्रेटरी आप क्या कुछ उस पर कहना चाहेंगे? ऑलरेडी बोल चुके हैं उस बारे में, ऑफिशियल स्टेटमेंट 3-4 दिन में जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन जब तक ऑफिशियल कंप्लेंट बिनता की या फिर आलोक जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मैं भी फिलहाल नहीं कमेंट कर सकता। बाकी मेरे स्टेटमेंट सारे चैनल्स पे हैं, प्रिंट मीडिया में भी हैं, और हम लोग काफ़ी कुछ जूझ रहे हैं पिछले नए सीरियल तो उसके अलावा तनुश्री से लेके विकास बैल से लेके रजत कपूर से लेके अब ये बहुत कुछ, और अभी सुशांत भी भावुक हो गए थे रात को, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, भावुक होना स्वाभाविक है क्योंकि हम लोग बहुत कुछ जूझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े से इमोशनल लोग, थोड़े से कॉन्शियस लोग, पर जब तक एक ऑफिशियल इंक्वायरी या ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल कंप्लेन या तो विंता से या विंता के एसोसिएशन से नहीं आती, आलोक जी को भी हम कभी क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें दो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे नाना और तनुश्री में दोनों बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, दोनों हमारे मेंबर हैं। यहाँ पर विंता हमारी मेंबर नहीं है, लेकिन हम सबकी एक दोस्त भी है, कॉलीग भी है, रिस्पेक्ट भी करते हैं विंता को भी आलोक जी को। वी डोंट वॉन्ट टू गो रॉन्ग बिकॉज 8,500 मेंबर्स को हमें जवाब देना है, और अब तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जवाब देना है। सेक्शुअल हैरेसमेंट इज अ सीरियस ऑफेंस, हम मानते हैं, हम इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। एक ये हुआ है कि पिछले 10-12 दिन में जो हुआ उससे सारे लोग आगाह हुए, और हमने काफ़ी स्टेप्स लिए दैट वी नीड टू कर्व सेक्शुअल हैरेसमेंट, डेटा सेट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स, रिकग्नाइजिंग सेक्शुअल हैरेसमेंट, इम्प्लीमेंटिंग द विशाखा गाइडलाइंस, एंड ऑल्सो द बेसिक थिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट इज समथिंग दैट वी आर टेकिंग अप। आपको बस इन्हें क्या लगता है कि अचानक से अब इतने टाइम बाद सब लोग क्यों इस चीज़ को उठा रहे हैं? ये सवाल मैं अपने आप से भी करता हूँ, उनसे भी करता हूँ। हो सकता है सबके अपने निजी कारण, मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं, हो सकता है कि मैंने भी कुछ चीज़ें मैं हो सकता है दबा के रखूँ, माहौल को देखते हुए लग रहा है कि चलो यार अभी कुछ हो रहा है मैं कुछ करूँ। कुछ लोग इसको एक बुरा फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि बैठी करना, सो आई कॉन्ट रियली कमेंट ऑन दैट, बट आई थिंक किसी एक ने एक पहल की, शायद तनुश्री ने। जैसे कि आपने बताया कि आलोक जी अभिनेता आप दोनों को ही जानते हैं शुरू, तो क्या कुछ पर्सनल राय है आपकी उन लोगों के बारे में? मैं इसमें पर्सनल राय बिल्कुल, बिकॉज दोनों मेरे बहुत ही क्लोज हैं, दोनों के साथ मैं बहुत घरेलू संबंध हूँ, मेरे लिए इसलिए और अजीब सी दुविधा है, तो इसलिए आप सोच सकते हैं नॉट ओनली एज सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बट ऑल्सो एज अमित बहल द इंडिविजुअल एक्टर, बहुत ही डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, तो अभी मेरे लिए कमेंट करना बहुत मुश्किल लगा, प्लीज़ मेरी जरा दुविधा से। लास्टली एक चीज़ और पूछूंगा कि इंडस्ट्री में यूजुअली इस तरह की बातें उठती रही हैं, एक्टर्स को भी मानता है कि हाँ वो जिस चीज़ फेस करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इंडस्ट्री के इस कल्चर को जो इस तरह से हो गया है? बार बार हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कल्चर तो FMCG सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, पावर प्लांट्स में, फोरम में, घरेलू घर पे झोपड़पट्टियों में, चुटियों में, बैंकिंग सेक्टर में, कॉल सेंटर में, हमारी इंडस्ट्री क्योंकि हम लाइमलाइट में, हम क्योंकि आप और हम मीडिया इंडस्ट्री के क्योंकि हम इसलिए हम लाइमलाइट में, बाकी जगह जितना होता है हमारा उससे कवर्ड अगर वहाँ 80% होता है तो हमारा सिर्फ 50-20% है, इसलिए हमारी वी कैन नॉट से दैट, हम फिर भी बच्चे भाई, यहाँ पर रिस्पेक्ट है, और बाकी सेक्टर्स में जितना शोषण हो रहा है, शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण, उसके मुकाबले तो हमारी इंडस्ट्री बहुत बेटर है।